मेरे पास है ट्यूबा, ठीक है। और इसकी जो प्रॉब्लम मेरे को समझ में आई है वो ये है कि ये 3 साल पहले 9th में पढ़ती थी, ठीक है। जिस जगह पढ़ती थी वहीं पे ही कहीं नजदीक में रहते थे, वो सारे परिवार आ गया खजूरी खास में, और उसके बाद ये पढ़ नहीं पाई और अब ये 16.5 साल के हो गया। अब इसको लग रहा है नहीं मुझे पढ़ना है, तो अब स्कूल वाले जो है दिल्ली सरकार के स्कूल वाले इसको कह रहे हैं कि ओवर एज हो गई है, मतलब 1.5 साल ज्यादा ओवर हो गई है। अब एक लड़की है, बच्चा तो 18 साल तक का होता है ना, तो 18 साल से कम अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको दिल्ली सरकार को मना नहीं करना चाहिए ना, पढ़ाने की देना चाहिए, मौका देना चाहिए। है ट्यूबा, क्या है आपको, क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप क्यों आए हो मेरे मैं पास? पढ़ना चाहती हूँ। हाँ अगर मेरी उम्र ज्यादा हो गई है तो क्या मैं पढ़ नहीं सकती? नहीं, सरकार को बोलो ना कि मुझे पढ़ाओ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हाँ? मैं जो पढ़ाऊँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। और वो जो खजूरी खास वाला स्कूल है वो क्या बोलता है, वो कहता है कि ओपन से करो। ओपन से करो, और वो क्यों नहीं दाखिला देता अपने स्कूल में? वो कहते हैं जगह नहीं है। जगह नहीं है, या ये कहता है कि ओवर एज हो गए हो आप, ये भी कहते हैं ये ओवर भी एज कहता हो है, और गए। जगह भी नहीं है। जी, वो कहते हैं रिक्वेस्ट ही नहीं दे सकते, जगह नहीं है। देखिए ये वही मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि दिल्ली सरकार को चाहिए कि कम से कम 18 साल के बच्चे जो हैं, और खासकर लड़कियां, अगर वो कभी स्कूल में नहीं भी गई ना तब भी उनको मेन सिस्टम में लाना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए दिल्ली सरकार की। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक सर्कुलर निकाल रखा है जिसके अंदर लिखा है कि 9th के अंदर 13 साल से 15 साल, अब 15 साल से एक दिन ज्यादा हो जाए तो वो कहते हैं ओवर एज हो गया। ये क्या है, ये शिक्षा का अधिकार जो एक फंडामेंटल राइट है उसको यह समझ में ही नहीं आ रहा इनको, दिल्ली सरकार को, है कि कम से कम 18 साल के बच्चों को तो हमें स्कूल के सिस्टम से लाना चाहिए ना, निकल जाएंगे तो क्या करेंगे, जल्दी से शादी कर देंगे घर वाले, है या कहीं मजदूरी करने लग जाएंगे, ये क्या करेंगे, है क्या करोगे, शादी कर देंगे ना जल्दी से तुम्हारी, है ये खतरा है ना, स्कूल ले जाओगे तो, हाँ देखो कह रही है लड़की की खतरा है, तो इसको मतलब पढ़ने की एंट्री देनी चाहिए, है ना। हाँ बच्चे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ना देने दे, जब तक तो पढ़ाई नहीं करेंगे वैसे तो बाजल लगाते हो तो, है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, है और जब मौका आता है तो फिर सरक जाते हो, है तब तो आप दुनिया भर के फालतू फालतू रूल लगा रहते लगते हो, है पढ़ना चाहते हो ना पक्का, इसीलिए आए हो मेरे पास हाईकोर्ट में। हाँ चलो ओके।